हाय गाइस, मैं वैभव और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल इनक्रेडिट स्टार्क। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियोस पाते रहें। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पैशन के बारे में। पैशन, आप लोग सोचोगे पैशन, आज से पहले तो मैंने ऐसी कोई टॉपिक पर वीडियो नहीं डाली। गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कल मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, मेरे ऊपर नहीं, मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो हम लोग की बात हो ही रही थी कि उसने मुझसे पूछा तुम्हारी फैंटेसी क्या है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन तुम्हारी फैंटेसी क्या है। तो उसने कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो हम कहे ये सिर्फ फैंटेसी क्यों है, तुम इसे क्यों नहीं रियलिटी में बदल रहे हो, तुम बन जाओ एक्टर। तो उसने कहा कि नहीं, मॉम डैड नहीं सपोर्ट करेंगे। हम कहे अच्छा, हो सकता है। तो फिर उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से फैशन डिज़ाइनिंग के लिए माने हैं, फालतू काम एक्टिंग का पूछ के उनका मूड ऑफ नहीं करना चाहते। हम कहे हाँ चलो ठीक है, तो तुम फैशन डिज़ाइनिंग करोगे 12th के बाद। तो उसने कहा कि नहीं, पहले BCOM करूँगा उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग। मैंने उससे कहा अगर फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो BCOM की क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा कि मान लो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ उस फील्ड में तब। तो गाइस, मैंने उससे कहा अगर ये तुम्हारा पैशन है तो तुम इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे। उसके बाद वो चिढ़ गया और वो चला गया। गाइस, उसके जाने के बाद मैंने बहुत देर तक सोचा और मैं कुछ कॉन्क्लूजन्स पे है, वो कॉन्क्लूजन्स मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज करूँगा आप लोग से, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देंगे अगर आप उन्हें फॉलो किए तो। सो गाइस, सबसे पहले पैशन तो एक ऐसा काम होता है जो पूरे ज़माने के लिए एक काम हो बट आपके लिए वो काम ना हो, आपके लिए वो इन्जॉयमेंट का तरीका हो। सो गाइस, अगर आप किसी काम को करने में इंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी काम को कर नहीं रहे हैं, उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो आपका फैशन या पैशन नहीं है। सो गाइस, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको लग रहा है हाँ ये फील्ड आपके लिए यूज़फुल है, आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो गाइस आपको कल का इंतज़ार नहीं करना है, आपको आज ही शुरू करना है। आज शुरू करोगे तो अपने कंपटीटर से बहुत आगे रहोगे, और इस पैशन को आपको फॉलो करने के लिए अलग से पूरा दिन नहीं चाहिए। आप अपने डेली शेड्यूल, आप स्कूल गोएंगे स्टूडेंट हो, आप लोग कॉलेज गोएंगे स्टूडेंट हो, आप लोग जाओ अपने पैशन के लिए एक घंटा तो आप दे ही सकते हो ना। आप FB चलाने में, इंस्टा चलाने में घंटों घंटों बर्बाद कर दे, तो आप अगर आप अपने पैशन को एक घंटा नहीं दे सकते तो आपका पैशन नहीं है और आप बहुत ही बेकार इंसान हो। सो गाइस, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इंतज़ार मत करो। और अगर जैसे कि उस लड़के को मैं टिप्स देना चाहूँगा अगर वो वीडियो देख ले तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त कि तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तुम सीखो। YouTube पे लगभग बहुत सारे वीडियोस हैं, इंटरनेट पे लगभग लाखों करोड़ों आर्टिकल्स होंगे इस चीज़ पे। तो जाओ सर्च करो, सीखो, ताकि तुम्हें इंटरेस्ट आए, तुम उस फील्ड के बारे में और जानो, अपने कंपटीटर से आगे निकलो। एंड दैट्स ऑल। और आपका अगर फैशन डिज़ाइनिंग से अलग कोई भी फील्ड में पैशन है, जैसे कि मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना बहुत पसंद था। मैंने क्लास 10th में, मुझे कंप्यूटर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मैंने 6 महीने में 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर की, मैंने सिर्फ सीखा नहीं, मैंने उन्हें मास्टर किया। और आई वॉज जस्ट बींग ट्रीटेड लाइक ए सेलिब्रिटी इन माई क्लास, बिकॉज क्लास की 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, और साथ ही मुझे बाकी की 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती थी जो किसी भी बच्चे को नहीं आती थी। और मैंने उसके बहुत प्रॉफिट यूज़ किए, मैंने कई वेब टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए और मैंने कुछ हद तक पैसे भी कमाए। पर अभी मैंने उस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि मैं उस फील्ड में लगभग अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा खो दिया हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स इट बट स्लोली आई एम ट्राइंग ऑल। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारे आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिट स्टार को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसी शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाते रहें।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।